हेलो फ्रेंड्स, आज अपनी बात कहने से पहले अपनी ही लिखी एक कविता आपको सुनाना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है घुटन। घुटन ही कहोगे ना आप भी, वो जो रिश्तों में भी होती है, नसीहतों, सीखों, दलीलों, शिकवे, शिकायतों से भी नहीं मिटती है, वो जो वजूद को बेजान और शख्सियत को बेमजा कर देती है, जिसमें बाहर निकलने की बेचैनी होती है। ये घुटन नहीं तो और क्या होती है? चाह जाता है कि निभाया जाए हर हाल वो रिश्ता, जिसके होने ना होने का नहीं रहेगा कोई मलाल। वो अपने जीते जी ही इतनी घुटन भर देगा कि निभाने वाली रूह का दम तोड़ देगा। आपसे की जाने वाली हर बात रियल लाइफ इंस्पायर्ड होती है, या तो वो मेरा खुद का अनुभव होता है, या मैंने अपने आसपास कहीं देखा होता है, या मेरे किसी परिचित या घनिष्ठ मित्र के द्वारा बताया गया होता है। आज जो बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो इस कविता से लिंक्ड है, रिश्तों की घुटन से। मेरी एक परिचिता जो अभी थोड़े दिन पहले कुछ परेशान सी दिख रही थी, थोड़ा सा उकसाने भी नहीं, उनकी को सांत्वना देने पर जब बात आगे बढ़ी तो एकदम से बिफर पड़ी और उन्होंने बताया कि उनके पति अक्सर ही दूसरी महिलाओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और इसके चलते रह रहकर उनको बीच में आना पड़ता है और लड़ाई झगड़े करके आखिर अपने पति को उस महिला से छुड़ाकर वापस लाना पड़ता है। मैं तो सैल्यूट करूंगी उनकी हिम्मत को, और यहाँ पे पूरा का पूरा जो आचरण है पति का गलत माना जाएगा कि वो महिला जो कि वाकई में आकर्षक हैं, देखने में अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, अच्छे संपन्न परिवार से आती हैं और साथ ही साथ सोसाइटी में जिनका नाम है, ऐसी महिला का पति होने के बावजूद भी अगर पति का आचरण ऐसा है तो मेरे मन में पति के ऊपर लांछन लगाने से ज़्यादा एक सवाल यह आता है कि जो अच्छाइयाँ मुझे दिख रही हैं वो पति को क्यों नहीं दिख रही हैं? क्योंकि पति पत्नी के संबंधों में सबसे ज़रूरी जो बात मैंने नोटिस की है उसमें क्या होता है कि हमारा समाज ये चाहता है कि पति और पत्नी किसी भी रिश्ते के बारे में खुल के बात कर सकते हैं, वो अपनी पसंद नाम पसंद बता सकते हैं। हम या फिर हम बचपन से ही हमें आदत डाली जाती है कि अगर हम गुस्सा होते हैं तो हम जाके अपने घर वालों को ये बात पूरी तरह से खुल के बता सकते हैं, आज हमारी दोस्त से लड़ाई हो गई, आज हमारी सहेली ने ये कहा, हमने उसको ये जवाब दिया, पड़ोसी ने ऐसा कहा था तो हमारी उससे लड़ाई हो गई। हम खुल के इस बात का मीन्स ऐलान कर देते हैं कि हम किसी से नाराज़ हैं, या फिर हम घर में बैठ के चार लोगों के बीच में बड़ी शान से ये कह सकते हैं कि फलाना मेरा फेवरेट हीरो है, लड़कियाँ मेरा फेवरेट हीरो तो ये है, मैं इसका इस हेयर स्टाइल कितना अच्छा है, या कुछ भी, या लड़के अपनी पसंद की हीरोइन के बारे में बात कर सकते हैं। पर वही बात जब कोई लड़की शादी के बाद आकर ये बताना चाहे कि वो अपने पति को नहीं पसंद कर रही है, या शादी के 6 महीने बाद, साल भर बाद उसे ये रियलाइज़ हुआ कि इस संबंध में वैसा प्रेम नहीं है जो कि उसको उस संबंध से और दिनों दिन ज़्यादा बांधे, तो ये बात माँ बाप को, सोसाइटी को, किसी को भी हजम नहीं होगी, क्योंकि कहेंगे अरे ये कैसी बात कर दी, अब शादी हो गई है, निभाओ इसको। तो एक वर्ड आ जाता है निभाओ, वो हम किसी और संबंध में किसी और रिश्ते के साथ कभी नहीं बोलते, वो एक चीज़ है जो हम अब पति पत्नी के लिए इस समाज में ज़रूर बोलते हैं। किसी दो भाइयों की नहीं पट रही वो उनसे नहीं कहेंगे कि निभाओ अपने अपने, अरे भैया बंटवारा कर दीजिए इन लोगों का, इन लोगों को अलग करिए। बहन भाई की नहीं पट रही तो बहन अपने घर की हो जाती है, भाई अपने घर का, और धीरे धीरे संबंधों में बर्फ जम जाती है, एक तरह से वो ख़त्म जैसे हो जाते हैं। लेकिन पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसा होता है तो कोई भी आसानी से सुनने को तैयार नहीं है,
कि अगर कोई लड़का ये कहता है कि मैं अपनी बीवी को उस तरह से पसंद नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर अब मैंने रियलाइज़ किया कि अब मुझे समझ में आया कि वो लड़की मेरी पसंद की नहीं है जिससे मेरी शादी कर दी गई है, तब भी ऐसा होगा कि ये तो बहुत गलत बात है, निभाना पड़ेगा। ऐसी ये स्वतंत्रता हमारे समाज में खुलकर अपनी शादी के बारे में बोलने के लिए बिल्कुल नहीं है। कुछ हमारी सोसाइटी में ही, हमारे समाज में ही जो कुछ लोग हैं जिनको हम अति आधुनिक मानते हैं, वो लोग इस बात की परवाह नहीं करते और चीज़ों को ख़त्म भी कर सकते हैं, रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन फिर भी निभाए जाना एक शादी की मजबूरी हो जाती है। तो यहाँ पे जिस जोड़े की मैं बात कर रही हूँ, बेशक मैं किसी का फेवर नहीं कर रही या किसी को अपोज़ नहीं कर रही, अगर पति ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल ही कतई गलत बात है, लेकिन वो जो लेडी हैं जो बार बार अपने पति को दूसरी औरतों से, महिलाओं से छुड़ा के लाती हैं, तो मेरा को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में हर बार, हर ऐसे इंसिडेंट के बाद एक खटास पड़ जाती होगी। इसमें प्यार की प्रगाढ़ता तो कहीं नहीं होगी, इतना प्रगाढ़ प्रेम अगर होता तो किसी बाहर वाले की ज़रूरत ही नहीं होती। निश्चित रूप से आपसी संबंधों की तनातनी, आपसी संबंधों में ठंडापन और आपसी अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, तारतम्य जो होता है, उसका अभाव ही ऐसा होता है कि वो इंसान कहीं बाहर की तरफ देखने लगता है। गलत आचरण भी हो सकता है और होगा ही, ये इसमें कोई वो नया नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये मुझे आश्चर्य लगता है कि ऐसे में ऐसे व्यक्ति को बार बार पकड़ के ले आना और फिर भी उसके साथ निभाते चलना, ये कुछ अजीब इसलिए है, या तो ये समाज का दबाव है कि शादी बनाए रखना ही हम एक सफल परिवार की एक को एक पदक मानते हैं, ये एक बहुत बड़ा पदक हमें प्राप्त हुआ कि हमने अपनी शादी को जिंदगी भर चला लिया, बावजूद इसके कि हमने उसमें कितने झंझट, कितने दुराव, कितने अलगाव झेले, लेकिन हमने उसको निभाया समाज की खातिर या फिर अपने परिवार के दबाव के खातिर, जिन्होंने कभी हमें इस बात के लिए सपोर्ट नहीं किया कि इस ये शादी जो एक ऐसा बंधन है जिसको 365 दिन 24 घंटे निभाना होता है, वो कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जैसे हमने भाई भाई की बात करी कि कभी नौकरी पेशा होंगे तो दूसरे दूसरे शहर में रहेंगे, कभी कभार मिलेंगे, भाई बहन होंगे तो कभी कभार मिलेंगे, और दोस्त यार भी होते हैं तो हम उनसे 24 घंटे नहीं मिलते रहते। ये एक ऐसा संबंध है जिस व्यक्ति के साथ हमारा कुछ भी छुपा नहीं होता, और उसमें अगर मन मिला नहीं होता तो फिर कुछ भी चल नहीं रहा होता, ऐसा मेरा मानना है। तो वो जो महिला की मैंने बात किया, वो अपने पति को लेके आती हैं, फिर उससे निभाती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं मैं इसको एक निजी स्वार्थ भी कहूँगी, चाहे वो समाज के नाम पे हो या परिवार के नाम पे हो, या फिर पति की आर्थिक स्थिति जो काफ़ी मजबूत है उसके चलते मिलने वाली भौतिक सुख सुविधाओं के चलते। महिला मायके से कितनी भी समर्थ हो सकती है, लेकिन जब पति की भौतिक स्थिति अच्छी है तो उसी के चलते वो इस वर्तमान समय में एक बहुत अच्छा जीवन यापन कर रही हैं, और अपनी इच्छाओं के लिए उन्हें किसी का भी मुंह देखना नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी व्यक्ति से एक सामाजिक सुरक्षा मिल रही है, समाज में हमें नाम मिल रहा है, उसके पैसे से हमारा अच्छा जीवन यापन हो रहा है, तो फिर हम उसको हर हाल में बांध बूंद के ले आएंगे, पकड़ के ले आएंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमें उतना पसंद नहीं करता, इसीलिए वो दूसरों की तरफ आकर्षित हो रहा है, और ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की तरफ आकर्षित हो रहा है उसको हम भी उतना पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि उन्हीं के शब्दों में उन्होंने कहा कि मेरा पति लफंडर है। तो अब एक लफंडर के साथ रहना आपको कबूल है तो कहीं ना कहीं तो निजी स्वार्थ आपका होगा, और इसके लिए शायद मजबूरी कुछ भी हो सकती है, सामाजिक दबाव भी हो सकता है, पारिवारिक दबाव भी हो सकता है, और अपना खुद का भी कोई ऐसी कारण हो सकता है कि हम इसको निभा रहे हैं, पर इस रिश्ते में घुटन होगी, मैं ये मानती हूँ, और उस घुटन से इस रिश्ते की आत्मा हर दिन मर रही होगी।
अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।